ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और टाइम भी है. हमें कुछ 3-4 मंथ्स 3.5 मंथ्स मिलते हैं. अराउंड हाफ मंथ हम इसमें वेस्ट कर देते हैं कई बार कि कट ऑफ क्या जाएगा और क्या हम सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं जी. तो ये अगर आपके साथ कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के साथ, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट विल बी माई थिंग. मैंने भी थोड़ा वेस्ट किया था पर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आई विल से कोई आउटपुट नहीं मिलता है. जो कट ऑफ जाएगा वही जाएगा, वी कैनॉट चेंज इट. सो वट एवर यू हैव डन, एनालाइज योर पेपर लिटिल बिट बट कीप इट अवे. टेक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक, थोड़ा फ्रेशन योर सेल्फ अप एंड देन वेन यू स्टार्ट फोकस एक्सटेंसिवली ऑन आंसर राइटिंग. नाउ इज द पार्ट एंड रिविजन. जितना पढ़ना था थोड़ा हम ब्रशअप अभी कर सकते हैं. जैसे हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे केवल मेंस में आते हैं, यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, अ फुल पेपर 250 मार्क्स, दैट वी हैवंट रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि हम प्री के प्रिपरेशन में बिजी होते हैं. तो उन टॉपिक्स को आप पिक कीजिए. ऑप्शनल हमारा एक ऐसा पार्ट है. एक ये चीज़ कहूंगी, हम GS पढ़ के बोर हो गए होते हैं प्रीलिम्स के लिए अब 2-3 महीने से, तो आप ऑप्शनल से शुरू कर सकते हैं. ऑप्शनल को आप लिमिटेड एक सिलेक्टेड टाइम दीजिए. मैंने पहले ऑप्शनल किया, देन आई पिक्ड अप माय जनरल स्टडीज पेपर. पर यहाँ पे आप केवल ये मत सोचे कि यू नो टेस्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा अपने दिमाग से भी, इफ़ समथिंग यू नो देयर इज अ टॉपिक ऑफ जजेस इम्पीचमेंट कहीं पे था, दैट वॉज एंड इट वॉज आस्क्ड इन दिस एग्जाम. ऐसा ही कुछ अगर आपको न्यूज़पेपर में मिलता है कि यू नो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो जस्ट नोट इट डाउन एंड फ्रेम योर ओन क्वेश्चन एंड आंसर ऑन इट. खुद के बेसिस पे भी थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा सकता है. उन एरियाज पे भी ज़्यादा फोकस करो. एंड एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि प्रिलिम्स में कोई सवाल पूछा है उसी को डिटेल में मेंस में पूछ लेते हैं. तो जो अभी प्रिलिम्स में आया है उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कीजिए. उनसे रिलेटेड जो भी डीपर बनता है मेंस के लिए उस पर भी वर्कआउट कीजिए. एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. प्लान योर टाइम रियली वेल, डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल. इफ़ यू आर इन एंड इफ यू हैव मेड इट, दिस इज द टाइम एंड मेंस इज द स्टफ यू नो जहाँ पे यू कैन इंश्योर योर नेम इन द लिस्ट. तो वर्क हार्ड फॉर मेंस, राइट आंसर्स, एटलीस्ट राइट 3-4 आंसर्स पर डे. गेट इट इवेल्युएटेड कहीं से बाय योर मेंटर्स. Join some test series, that can be done. So keep yourself disciplined and use every second of yours.